गाइज, आप सभी लोगों के पास अपना फोन तो होगा ही और आप अपने फोन को एक चार्जर से ही चार्ज करते होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब एक ही फोन को 100 चार्जर से चार्ज किया जाएगा। और गाइज, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मार्केट में इतने फास्ट चार्जर आ चुके हैं कि एक ही चार्जर आपके फोन को आधे घंटे में ही फुल चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर इसी जगह पर 100 चार्जर से एक फोन को चार्ज किया जाए तो ये फोन बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्ज होगा या इसकी नॉर्मल ही चार्जिंग होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स लेके आया हूँ जिन एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट्स हो भी सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है 100 चार्जर्स प्लग इन वन आईफोन। गाइस, क्या होगा जब 100 चार्जर्स से एक फोन को चार्ज किया जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे ट्राई किया है टेक्रैक्स यूट्यूब चैनल ने। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 100 चार्जर लिए और उनके आगे की केबल को कट कर आपस में जोड़ दिया, जिससे कि यहाँ से केवल एक ही चार्जिंग पिन को निकाला जा सके। और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं अभी कि इन चार्जर्स को कट करने के बाद ये वायर कितने ज्यादा लग रहे हैं। इन सभी चार्जर को एक ही पिन से कनेक्ट करने के बाद दो आईफोन को लिया गया और इन दोनों के दोनों आईफोन की बैटरी बिल्कुल ही डेड थी, जिसमें से एक फोन को सिर्फ एक ही चार्जर के साथ कनेक्ट करके चार्ज किया जाएगा और दूसरे फोन को 100 चार्जर्स के साथ कनेक्ट करके चार्ज किया जाएगा। फिर दोनों को कंपेयर करके देखा जाएगा कि कौन सा फोन किन चार्जर से ज्यादा फास्ट चार्ज होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक फोन को एक चार्जर के साथ कनेक्ट करके रख दिया गया और फिर दूसरे फोन को जब 100 चार्जर के साथ कनेक्ट किया गया तो दूसरे फोन के चार्जिंग पर लगते ही इस फोन में एप्पल लोगो शो होने लगता है, लेकिन वहीं एक चार्जर वाले फोन में कोई भी एप्पल लोगो शो नहीं होता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद जिस फोन को 100 चार्जर के साथ कनेक्ट किया गया था वो फोन पूरी तरह से ऑन भी हो जाता है और बहुत ही फास्ट वो 3% चार्ज भी हो जाता है। उसके बाद जब दूसरे आईफोन को अपने हाथों से ऑन किया जाता है तो ऑन करते ही ये फोन सिर्फ 2% ही चार्ज हो पाता है। और फिर इसके बाद आप इन दोनों फोन के टाइम लैप्स को देख सकते हैं कि किस तरह से ये 100 चार्जर से कनेक्ट फोन एक चार्जर से कनेक्ट फोन से कितने फास्ट चार्ज हो रहा है। एक चार्जर से कनेक्ट फोन सिर्फ 39% ही चार्ज हो पाता है, तब तक 100 चार्जर से कनेक्ट फोन 50% चार्ज हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे 100 चार्जर से कनेक्ट फोन स्लो चार्ज होने लगता है। जब ये फोन 96% होता है तब तक सिंगल चार्जर से कनेक्ट फोन 91% चार्ज हो चुका होता है। अब गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई 100 चार्जर से कनेक्ट करने के बाद भी ये फोन इतना फास्ट चार्ज भी नहीं हो पाता है कि वो सिंगल चार्जर से कनेक्ट फोन से भी ज्यादा फास्ट चार्ज हो पाए। नेक्स्ट है आईफोन ड्रॉप टेस्ट 300 फीट। गाइस, क्या होगा जब एक आईफोन को 300 फीट से नीचे फेंका जाएगा? क्या एक आईफोन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं टूट पाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को भी टेक्रैक्स यूट्यूब चैनल ने ही किया है, जो कि सबसे पहले एक बिल्डिंग पर 300 फीट तक ऊपर चढ़ के गए, जो कि आप अभी ये स्क्रीन पर सीढ़ियां देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये गोल गोल सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनके बीचों बीच एक गहरी सी जगह है। जब इस ब्रांड न्यू आईफोन का कैमरा ऑन करके यहाँ से ड्रॉप किया गया तो ये फोन सही से ड्रॉप न होने की वजह से सीढ़ियों की ग्रिल से टकरा जाता है और नीचे जाकर सीढ़ियों के पास ही गिर जाता है, जो कि आप अभी देख ही सकते हैं कि किस तरह से इस फोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। फिर दोबारा से इन्होंने एक और ब्रांड न्यू आईफोन लिया, जिसका कैमरा ऑन करने के बाद इन्होंने इस फोन को भी उसी तरह से ड्रॉप कर दिया जिस फोन को इन्होंने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था। ये फोन बिल्कुल नीचे की फ्लोर पर जाके गिरता है और इस फोन की डिस्प्ले पर काफी सारे क्रैक्स आए। इसी के साथ ही साथ फोन की डिस्प्ले भी बाहर निकल के आ जाती है, लेकिन फोन के पीछे कवर चढ़े होने की वजह से फोन में कोई भी क्रैक नहीं आता है। गाइज, ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जापानीज फॉइल बॉल चैलेंज। गाइज, इस एक्सपेरिमेंट को किया है द एक्शन लैब यूट्यूब चैनल ने, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक एल्यूमिनियम पेपर को लिया और फिर इस पेपर को इन्होंने एक गोल शेप देने के लिए तोड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये एल्यूमिनियम पेपर की बॉल ठोस हो जाए और इसे सही तरह से गोल शेप में भी चेंज किया जा सके। इस बॉल के गोल होने के बाद इसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए कई तरह के रेगमल्स का इस्तेमाल किया गया और कपड़े का भी इस्तेमाल किया गया और फिर फाइनली ये बॉल कुछ इस तरह से दिखने लगती है, जैसे मानो ये कोई ठोस मेटल की बॉल हो। इस बॉल के जब वेट को नापा गया तो इसमें वेट 51 ग्राम था और फिर जब इसी बॉल को पानी के अंदर डाला गया तो ये बॉल पानी में डूबने की जगह ऊपर तैरने लगती है। इस बॉल को हथौड़ी से पीट पीट कर गोल शेप में लाया गया और इसे अच्छे से ठोस भी किया गया, उसके बाद भी ये बॉल पानी के ऊपर ही तैरती रही। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि आप एल्यूमिनियम के पेपर के ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों न डाल लो और उसकी आप कितनी भी ठोस बॉल क्यों न बना लो, इस पेपर की बनी हुई बॉल पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। तो गाइज, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कार वर्सेस 400 एग्स। गाइज, क्या होगा जब एक कार के टायर के नीचे 400 अंडों को रख दिया जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट को 100% यूट्यूब चैनल वालों ने किया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कुछ क्रेटों के ऊपर 400 अंडों को सजा कर रख दिया और ये 400 अंडे एक के ऊपर एक रखने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे, जो कि
आप अभी वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद जब एक फास्ट स्पीड कार को इन अंडों के ऊपर से निकाला जाता है तो ये सारे के सारे अंडे पूरी तरह से फूट जाते हैं और इनमें से सिर्फ एक दो ही अंडे बचते हैं। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये सारे के सारे अंडे बहुत ही जल्दी फूट जाते हैं। तो गाइस फाइनली लास्ट एक्सपेरिमेंट है श्रेडिंग मशीन वर्सेस बिग बोर्ड। गाइस क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को डाल दिया जाएगा। ये दोनों लोग एक बड़ी सी लकड़ी को पकड़कर श्रेडिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं और लकड़ी को श्रेडिंग मशीन के अंदर डालते ही वहां से तेजी से पीछे की तरफ हट जाते हैं, क्योंकि श्रेडिंग मशीन की स्पीड तेज होने की वजह से इसके अंदर से लकड़ी के टुकड़े भी बाहर जाकर गिर रहे थे। और श्रेडिंग मशीन में इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डालने के बाद श्रेडिंग मशीन पूरे के पूरे लकड़ी के टुकड़े को खत्म कर देती है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। और गाइस इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से आपको सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।